सर मैं जब प्रथम नियुक्ति हुई तो गोटबिहारी एक गांव था छोटा सा। बच्चों की अनियमित उपस्थिति वहां बड़ी समस्या थी, तो हमने देखा कि वहां पे रेडियो और टेलीविजन का प्रसारण अच्छा था, तो हमने उन बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया कि आपके यहाँ रेडियो टेलीविजन पे जो आप गाने सुनते हो उसके स्थान पर जो एजुकेशन कंटेंट आते हैं वो आप देखें। तो उससे उनके अंदर बहुत सुधार आया। तो जो चीजें शिक्षावाणी से या और चीजें उस टाइम पे चलती थी उससे जो वो पढ़ के आते थे तो वो चीज वो समझ पाते थे। नमस्कार दोस्तों, टेक्नोशाला फाउंडेशन के डिजिटल टीचर की कहानी के छठे एपिसोड में मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम जुड़ रहे हैं सुनील कुमार जी से। सुनील कुमार जी राजस्थान में शिक्षक पद पर कार्यरत हैं। आइए सुनते हैं सुनील कुमार जी ने शिक्षा कार्य में टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी रही है? मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। प्रारंभिक शिक्षा मेरी खंडार में हुई थी, जो सवाई माधोपुर जिले के एक बॉर्डर का गांव है। पिताजी जो थे वो पंचायत प्रधानाधिकारी के पद पर कार्यरत थे, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि शिक्षा से जुड़ी हुई थी। पढ़ाई का काम बढ़िया रहा। 6 भाई बहन थे, 3 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। जो शिक्षा के नवाचार जो आए हमारे, वो हमारे जब सवाई माधोपुर जिले में पढ़ने के लिए गए बीएससी के लिए, तो वहाँ से हम टेक्नोलॉजी से जुड़ना शुरू हुए। उस टाइम पे कंप्यूटर का बड़ा प्रचलन आया था, तो कंप्यूटर से जुड़े कंप्यूटर कोर्स किया बीएससी करते हुए। उसके बाद एमएससी किया सवाई कोटा यूनिवर्सिटी कोटा से। उसके बाद में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में इवोल्यूशन को ऑफिसर के पद पर कार्य किया। उस कार्य के दौरान टेक्नोलॉजी से ज़्यादा जुड़ा हुआ, कुछ पारिवारिक कारणों के हम फिर छोड़ के आ गए। फिर हमने स्वयं पाठी स्टूडेंट के रूप में MA इकोनॉमिक्स किया। MA इकोनॉमिक्स करने के बाद में फिर पढ़ाई के प्रति जो लगन जगी, MA पॉलिटिकल साइंस किया, MA ज्योग्राफी से किया, पोद्दार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जयपुर से मैनेजमेंट का कोर्स किया, RSCIT कोर्स किए, पॉलिटिकल जो साइंस के मैंने काम किया। तो उससे हमको जानने को मिला कि किस तरह हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। सर, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको बच्चों को तकनीकी चीजों के माध्यम से पढ़ाने में प्रेरणा देती आई है? सर मैं जब प्रथम नियुक्ति हुई तो गोटबिहारी एक गांव था छोटा सा। बच्चों की अनियमित उपस्थिति वहां बड़ी समस्या थी, तो हमने देखा कि वहां पे रेडियो और टेलीविजन का प्रसारण अच्छा था, तो हमने उन बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया कि आपके यहाँ रेडियो टेलीविजन पे जो आप गाने सुनते हो उसके स्थान पर जो एजुकेशन कंटेंट आते हैं वो आप देखें। तो उससे उनके अंदर बहुत सुधार आया। जो चीजें शिक्षावाणी से या और चीजें उस टाइम पे चलती थी उससे जो वो पढ़ के आते थे तो वो चीज वो समझ पाते थे। तो वहां से हमने देखा, फिर जब कंप्यूटर का युग आया तो यूट्यूब से बहुत सारे कंटेंट मिलते थे। बच्चे से कहते थे, बेटा जिसके पास सुविधा 4 बच्चे ग्रुप बना के आप पढ़ सकते हो, उन्होंने उस चीज को पढ़ने की कोशिश की। तो उनको जब पढ़ने का मौका मिला तो उनके अंदर बहुत सुधार महसूस हुआ। तो हमने सोचा कि इस तकनीक के माध्यम से अगर हम पढ़ाते हैं तो बच्चों में लर्निंग इफेक्टिव होती है, जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है वो कर पाते हैं। सर, आपने बच्चों को पढ़ाने में तकनीकी चीजों का इस्तेमाल शुरू करते समय क्या उद्देश्य रखे थे? तो पहला उद्देश्य रखा था कि बच्चों के अंदर प्रभावी रूप से शिक्षण कार्य हो सके, उनका जो अधिगम स्तर है वो बढ़ सके। तो इसके लिए उनको मूर्त चीजें सिखानी थी, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के अंदर बच्चों के पास ये चीजें कम होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं साइंस टीचर हूँ और साइंस टीचर के नाते मुझे हार्ट पढ़ाना है। अब ह्यूमन हार्ट उसको कैसे समझाएं? अगर हम सीधा डायग्राम बनाते हैं तो उस चीज को इफेक्टिव रूप से समझ नहीं पाता। एक यूट्यूब पे अगर हम ह्यूमन हार्ट वर्किंग कंडीशन और डायनेमिक कंडीशन, दोनों कंडीशन में अगर उसको दिखाते हैं कि भाई ये तो इसकी स्ट्रक्चर है और ये इसकी वर्किंग है, तो उसको कभी नहीं भूलता। जब पहली बार इस तरह पढ़ाया तो ये समझ में आया कि बच्चों को उनके चीजें जिन जिन चीजों से वो सीख सकते हैं उसमें सबसे बढ़िया है ऑडियो विजुअल।
और तकनीक हमें इस चीज का सबसे बढ़िया माध्यम प्रदान करती है। सर, जब आपने पहली बार शिक्षण कार्य में तकनीकी चीजों का इस्तेमाल शुरू किया था तो आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? सबसे पहली समस्या तो है कि तकनीकी चीजें सुलभ नहीं है। जब 2008 में इस चीजों को हमने शुरू किया था तो कंप्यूटर नहीं थे, ना विद्यालय में था ना बच्चों के पास था, तो मैंने खुद के अपने लैपटॉप से उन चीजों को सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे वो समस्या दूर हुई। जब टेलीविजन का हमने प्रयोग किया तो वो ज्यादा था। तो पहली चीज तो है कि तकनीक की जो चीजें हैं, अपरेटस जो है, वो बच्चों को सुलभ नहीं है। आज के दौर में मोबाइल एक ऐसा कंटेंट आया है कि मोबाइल के द्वारा सारी चीजें सुलभ हुई है, अब आसानी हुई है। दूसरी, तकनीक का इस्तेमाल करना हर किसी के बस का नहीं है। तकनीक को सीखने के लिए लगन और समय दोनों ही चाहिए होता है। तो बच्चों के अंदर वो चीजें कम मान पा जाती है। कुछ चीजें क्या होती है कि बच्चे महंगे ऑपरेटर्स होते हैं, सीखने के चक्कर में कुछ चीजें सॉफ्टवेयर उड़ा दिए या ऑपरेटर्स खराब कर दिया तो घर वाले उनको देने से घबराते हैं। उन चीजों का सामना भी हमें करना पड़ा था। तो बड़ी तरीके से घर वालों को भी समझाया, बच्चों को भी समझाया कि आप इतना ही उपयोग करें जितना आपके काम का हो। तो आज तक आपने किन किन तकनीकी चीजों का इस्तेमाल से बच्चों को पढ़ाया है सर? सबसे पहले हमने इस्तेमाल किया था रेडियो। जब शुरू शुरू में आए थे तो गांव में रेडियो का प्रचलन था लेकिन कम था। टीवी का प्रचलन मिला तो हमने टीवी का इस्तेमाल किया कि जो टीवी पे कार्यक्रम आते थे, इग्नू वगैरह के प्रोग्राम आते थे, सैटेलाइट कार्यक्रम आते थे, तो वो देखते ही नहीं थे उनको। तो हमने कहा कि आप ये भी कार्यक्रम देखा करो, ये भी आते हैं कार्यक्रम, साइंस फिक्शन वगैरह जो मूवी आती थी, हम कहे ये देखा करो आप। कुछ हमने उनको मूवियाँ जो इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल पे प्राइज मिले बनी हुई थी वो स्कूल में दिखाई उनको टीवी पे, तो उनके अंदर एक जागृति बढ़ी कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। उसके बाद जब कंप्यूटर का दौर आया तो मैं अपने पर्सनल लैपटॉप से बच्चों को चीज़ें दिखाता था, उनको कुछ कार्य सिखाए। जब कंप्यूटर कुछ घरों में आए तो कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। आज का दौर सबसे अच्छा है जब हर किसी के पास मोबाइल है, और जब से ये एंड्रॉयड मोबाइल आए हैं तब से मान लीजिए कि तकनीक पहुंचाना बहुत आसान हो गया। बिल्कुल सर। तो सर, आप अपने तकनीकी कौशल वृद्धि करने के लिए क्या करते हैं? एक तो तकनीक से तुरंत जुड़ा रहना पड़ता है। जो भी नई तकनीक आती है उसको सीखने की कोशिश करते हैं, नेट पर सर्च करते हैं कि भाई और क्या चीज़ कर सकते हैं। जब हम कंटेंट बनाते हैं तो उसमें हम और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों की हम कोशिश करते हैं। साथ में जो वेबिनार आयोजित होते हैं उनको ज्वाइन करते हैं। हमारे शिक्षक साथी हैं, जैसे हमारा दीक्षा वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उनसे हम डिस्कस करते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है कि भाई ये प्रॉब्लम, तो वो कहता है नहीं ये आप इस कंटेंट को इस तरह यूज कर सकते हैं, तो हम चीज़ों का काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाने से एक छात्र को क्या मदद मिलती है? जब टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं तो छात्र उस चीज को विजुअलाइज कर सकता है और जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है वो उसका अच्छा होता है। दूसरा, ग्रामीण परिवेश में या किसी भी परिवेश में जब बच्चे की अनियमितता रहती है तो अनियमितता के कारण कुछ टॉपिक्स के छूट जाते हैं, तो वो उनको पढ़ सकता है घर पे बैठ के। तीसरा, अगर हम देखें तो बच्चा जब किसी चीज को पढ़ता है फ्लो में, तो आज इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब पे चले जाएं, आप दीक्षा पोर्टल पे चले जाएं, वाईजू पे चले जाएं, बहुत सारे पोर्टल हैं, इतना कंटेंट उपलब्ध है कि बच्चा एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए चार उससे रिलेटेड जो है चीजें देख सकता है। तो अगर वो तकनीक का इस्तेमाल करता है तो वो अपनी चीजों को बहुत अच्छी तरह सीख सकता है, और उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है उससे उन चीजों में और आगे की चीज भी सोच सकता है और वो बता सकता है, इसकी चीजें बना भी सकता है। आज आप देखें, छोटा सा उदाहरण देते हैं, वीडियो मेकिंग एप्स आते हैं, किसी ने सोचा होगा कि करोड़ों अरबों वीडियो उन पर अपलोड हो जाएंगे और इस तरह के वीडियो होंगे जिनको हम सोच नहीं सकते कि बच्चा ऐसे ही बना सकता है। तो हम उन चीजों को अगर देखें तो तकनीक का इस्तेमाल हमसे अच्छा बच्चा कर सकता है क्योंकि वो एक फ्रेश माइंड लेके बैठा हुआ है। बच्चों को पढ़ाने में मदद करने वाले कौन से ऐसे पोर्टल हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं? सर, पहले मुख्यतः हम यूट्यूब का इस्तेमाल करते थे, गूगल का करते थे, आजकल हम दीक्षा और वाईजू का उपयोग भी करते हैं। इनसे क्या है कि आजकल बहुत ज़्यादा कंटेंट है, दीक्षा का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हमको उसके लिए स्पेशल पे नहीं करना पड़ता,
दूसरा हम अपना जो कंटेंट बना सकते हैं, मैं खुद दीक्षा से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे इसको प्रमोट करना अच्छा भी लगता है। और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसमें आज आप पूरा सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपको बच्चे को भटकने की आवश्यकता नहीं है और अदर कंटेंट नहीं है, बिल्कुल फेयर है। जो कंटेंट जुड़ा हुआ है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आराम से पढ़ सकता है। वाईजू में काफी अच्छे कंटेंट है, लेकिन जब हमें बच्चों को सिलेबस के आधार जाके अलग कंटेंट देने की बात आती है तो यूट्यूब सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं तो उन्होंने अपनी बहुत अच्छी चीजें डाल रखी है। सर, आपके दीक्षा पोर्टल के साथ काम करने के अनुभव के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं आपसे, कैसे रहे आपके अनुभव? तो मैं 2017 में दीक्षा पोर्टल से जुड़ा था, एक ऑनलाइन डिजिटल टीचर का कंटेंट हुआ कॉन्सेप्ट हुआ था तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहीं से दीक्षा और दीक्षा प्रारंभिक स्टेज पे जो राजस्थान में लॉन्च हुआ था तो हम शुरू के 10 टीचर थे जो इससे जुड़े हुए थे। हमने यहाँ कंटेंट बनाए, एक ग्रुप फीलिंग आई और हमें ये जानने का मौका मिला कि हमारे जैसे और भी बहुत टीचर हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जब दीक्षा पर हमने काम किया तो हमने कई चीजें, बहुत सॉफ्टवेयर ऐसे थे जिनका हम परिचय नहीं था तो हमारी ट्रेनिंग के दौरान उनसे परिचय हुआ, उन पे काम करना सीखा और आज हम खुद कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो सुधार हुआ है उसमें दीक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। सर, जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं? हम उनके बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं। सर उपलब्धियां हम उसको मानते हैं जो एक टीचर संतुष्टि स्तर पर प्राप्त करता है। आज ब्लॉक लेवल पे सम्मानित हुए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सम्मानित हुए, दीक्षा पोर्टल पे काम करते राज्य स्तर पे सम्मान मिला, उससे बड़ा सम्मान मेरे लिए अगर कोई है तो मेरे स्टूडेंट क्या बने। आज बड़ी खुशी होती है कि जब मेरे पढ़ाए हुए 10 स्टूडेंट हीरो होंडा और बजाज मोटर्स के अंदर ऑटोमोबाइल इंजीनियर के पद पे काम करते हैं, पढ़ाए हुए स्टूडेंट सांख्यिकी अधिकारी और सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पे काम कर रहे हैं, 3-4 स्टूडेंट हैं वो टीचर बने। आज जब बच्चे कुछ नया करके आते हैं पूछते हैं तो वो संतुष्टि स्तर एक अपने आप में बहुत बड़ा है। टेक्नोलॉजी को लेके आपका काफी लंबा अनुभव रहा है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय बच्चे एवं शिक्षक साथियों को किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? सर तो हम तकनीक को अगर देखें तो उसको एक दुधारी तलवार कह सकते हैं और वर्तमान दौर पे जब बच्चा इंटरनेट की सुलभता बढ़ी है तो जितना नेगेटिव चीजों की तरफ जा रहा है तो उसके सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आती है कि उसको नेगेटिव चीजों से रोका कैसे जाए। पेरेंटल कंट्रोल की हम जो बात करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में पॉसिबल नहीं, तो शिक्षक साथियों को और बच्चों को सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज है जो हमारे काम की चीजें हैं वही हम सर्च करें। जो भी हम साइट, दूसरा एजुकेशनल साइटें जो हैं उनको ज्यादा सर्फिंग करें, उनको ज्यादा देखें, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जो है यूट्यूब है या अदर जो भी हैं उन पे हम कम फोकस करें क्योंकि बच्चे उनमें क्या पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चीजों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है और बच्चों का जो कॉमन मस्तिष्क होता है उसमें अगर सकारात्मक चीजें प्रवेश करती हैं तो नकारात्मक तेजी से दुगनी तेजी से प्रवेश कर पाती हैं। बच्चे साथियों की भी एक कोशिश होनी चाहिए कि हम पेरेंटल कंट्रोल की जो बात करते हैं वो बच्चे पे स्ट्रिक्टली लागू हो, या उसके मोबाइल में हम लोग सेटिंग्स करें या उसको समझाएं। और मेरा मानना था कि बच्चों को समझाया जाए, ये चीजें आपके लिए नहीं, इसके लिए आपको बहुत लंबा समय मिलेगा, वर्तमान समय में आपका कैरियर बनाने का है, पढ़ने का है, तो आप उस पर फोकस करें। सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और आपका अनुभव भी काफी सराहनीय है। तो हम आप यही दुआ करते हैं कि आप आगे भी टेक्नोलॉजी में नए नए प्रयोग करते रहें और बच्चों और शिक्षक साथियों और सभी को आपके जो अनुभव हैं वो शेयर करते रहिएगा ताकि हम सब लोग उनका लाभ उठा सके। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आज के एपिसोड में हमने सुनील कुमार जी से सुना कि कैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग शिक्षा का स्तर बढ़ाने में किया जा सकता है। आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। यह कहानी देखने के लिए टेक्नोशाला के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास भी शिक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की कहानियां हैं तो हमें ईमेल करके बताइए। मिलते हैं अगले शनिवार 2 बजे
नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्ते, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।